फ्रेंड्स, जब हम किसी चौड़ी छाती वाले लोगों को देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब वो टी शर्ट पहनते हैं तो उनकी बॉडी एकदम मॉस्कुलर बॉडी बिल्डर की तरह दिखती है। हम में से ज़्यादातर भाई सालों से जिम जा रहे हैं फिर भी उनकी बॉडी नहीं बन पाती है, चेस्ट मसल्स तो बिल्कुल दिखती ही नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज और कुछ ऐसी टिप्स की जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपकी चेस्ट मसल्स आपको 21 दिन में ही खुद ब खुद फर्क नजर आएगा। तो बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, पुशअप। दोस्तों, आप यहां पर सबसे बड़े गलती ये करते हैं, आप नॉर्मल पुशअप लगाते हैं। हम में से ज़्यादातर भाई सिर्फ नॉर्मल पुशअप ही लगाते हैं, इसीलिए उनकी चेस्ट मसल्स ग्रो नहीं हो पाती। आपको नॉर्मल पुशअप के अलावा इंक्लाइन पुशअप भी लगाना है और वाइडर ग्रिप पुशअप भी लगाना है, क्योंकि चेस्ट के 3 बड़ी मेजर मसल्स होती है, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट, और तीनों चेस्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे कि आपको अपर चेस्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए इंक्लाइन पुशअप लगाना है, मिडल चेस्ट बिल्ड करना है तो आपको वाइडर ग्रिप पुशअप लगाना है, वहीं लोअर चेस्ट आपको बिल्ड करना है तो आपको डिक्लाइन पुशअप लगाना है। अगर आप इन तीनों पुशअप को लगाते हैं तो आपकी चेस्ट मसल जल्दी से ग्रो हो पाएगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की, जो है फ्लैट बेंच प्रेस। हम में से ज्यादातर भाई ये सोच रहे हैं ये एक्सरसाइज तो हम जिम में लगाते ही है, कौन सी बड़ी बात हो गई। दोस्तों, आप यहां पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं उस टाइम आप जो बारबल को ऊपर की ओर जल्दी से लेके जाते हैं और नीचे की ओर भी जल्दी से लेके आते हैं, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें उस टाइम बारबल को नीचे की ओर धीरे धीरे से लाना है। ऐसे करने से आपकी पेक्टोरियल मसल्स पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे चेस्ट मसल जल्दी से बाहर की ओर आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं। दोस्तों, आपको अपनी एक्सरसाइज मैक्सिमम 1 आवर्स के अंदर फिनिश करना है। आप सोचते होंगे कि ज्यादा देर तक करूंगा तो मेरी मसल जल्दी बढ़ेगी। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। ज्यादा देर तक वर्कआउट करने से हमारी बॉडी कैटाबॉलिक मोड में चली जाती है, जिससे हमें वीकनेस फील होता है और प्रोटीन ना मिलने की वजह से हमारी मसल जल्दी से रिकवर नहीं होती है और जिससे हमारी चेस्ट मसल ग्रो नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की, इंक्लाइन बेंच प्रेस। आप लोग ये एक्सरसाइज जिम में परफॉर्म करते ही होंगे, लेकिन आप यहां पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इस एक्सरसाइज को लगाने के टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने बारबल का जो ग्रिप है वो अच्छे से पकड़ना है, मिडल में पकड़ना है और दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। और जब ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें उस टाइम बारबल को स्लोली यानी धीरे धीरे से नीचे की ओर लाना है। आप रेपिटेशन कम मारो चलेगा, लेकिन अच्छे परफेक्शन के साथ और धीरे धीरे से ही परफॉर्म करना है, तभी जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को बताने से पहले एक टिप्स देना चाहता हूं, आप रेपिटेशन कम लगाओ चलेगा, लेकिन अच्छे परफेक्शन के साथ धीरे धीरे से लगाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो है इंक्लाइन केबल फ्लाई। हम में से ज्यादातर लोग नॉर्मल केबल क्रॉस ओवर लगाते हैं, लेकिन इंक्लाइन केबल क्रॉस लगाने से आपकी अपर चेस्ट मसल जल्दी से बिल्ड होती है और बाहर की ओर निकलती है। दोस्तों, एक्सरसाइज और कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें आप परफॉर्म करते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी चेस्ट मसल्स को 21 दिन में ही आपको खुद ब खुद फर्क नजर आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन, वीडियो को लाइक और इसी तरह हेल्पफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।